हाय डियर फ्रेंड, केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है और पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए कॉलवेल, वुलर, लेविटी या पोश्चर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है सी है, लेविएटी। लेविएटी द मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कहा जाता है लेविएटी को। सेकेंड, द इन्वेंटर ऑफ द एटमिक थियरी इज। एटमिक थियरी का जो इन्वेंटर है वो कौन है? ए है रदरफोर्ड, बी मैडम क्यूरी, जॉन डाल्टन और अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो सेकेंड ऑप्शन सी, जॉन डाल्टन ने किया था, एटमिक थियरी का इन्वेंट किया था। ओके, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन इज द नेम ऑफ विच इज एम्प्लॉयड फॉर। तो ए है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन और नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है बी है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 4 का द मास नंबर ऑफ एन एटम। द मास नंबर ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस, या नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, या वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस एंड नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है ए, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियंस इन द न्यूक्लियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इज द ए ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एटम इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, बाय पॉजिटिव या नेचुरल। तो ऑप्शन नंबर इज द डी, नेचुरल होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली नेचुरल। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, द एटॉमिक प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द, द एटमिक प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस, या नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज होता है, एटमिक प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द, इनमें से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। देख लेते हैं, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे वो देख लेते हैं, फिर बाद में प्रोटॉन कितने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट ऑप्शन करते हैं। तो 7th का ये ऑप्शन 138 आपका न्यूट्रॉन हो गया, 88 प्रोटॉन होगा, और दोनों का एडिशन करोगे तो 226 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का जब एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 226 आ जाएगा वैल्यू। देखिए, एक सिंपल सा आपको बताऊँ कि 88 Ra 226 दिया ना, तो 88 ये आपको प्रोटॉन हो जाता है, और जो आपका ऊपर लिखा हुआ है उसमें से ये प्रोटॉन माइनस कर दो, जितना बचता है वो न्यूट्रॉन हो जाता है। ठीक है, ये टेक्निक देख लेना। ठीक है, फिर बाद में 8, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव को का इन्वेंटर कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था सी, हेनरी बाइक्यूरल, हेनरी बाइक्यूरल। ठीक है, हेनरी बाइक्यूरल 8th का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये याद रख लेना। ठीक है, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल रिएक्शन एमिटिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस हैज टू मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, पहले ऑप्शन क्या है, ए रेज, फिर बाद में रेज है, एफ रेज है, वाई रेज है, नन ऑफ दीज है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी, वाई रेज होते हैं। द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल रेडिएशन एमिटिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस हैज टू मैक्सिमम वैल्यू, वो है वाई रेज। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज निगेटिवली चार्ज, किस पे निगेटिवली चार्ज होता है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक्स रेज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ए है ऑप्शन इज द राइट आंसर, अल्फा रेज। अल्फा रेज पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके से आप देखिए, और RRB JEE से रिलेटेड या RRB में जितने भी जनरल साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो आप तक जरूर लेके आएंगे। सो वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।